आज के वाले वीडियो के अंदर मैं तुमको दूंगा कुछ कम्पेटेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि तुमको कम्पेटेटिव सीन के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आएगी अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है लोग को जिसकी वजह से ही मैंने एक हफ्ता तक तो कोई वीडियो नहीं रखा क्योंकि उन्होंने भी वही मतलब सीन किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला अठारह प्लस रूल डाल दिया अगर तुम्हें और भी ज्यादा जाना तो ये वाला वीडियो देख लो लेकिन आज का वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग है आज के वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ कम्पेटेटिव सीन की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे तुम्हारा जो नॉलेज है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अपने दोस्त का गेम प्लेस बताऊंगा बहुत ही बढ़िया स्नाइपर है वो मेरा टीम भी रह चुका है मतलब लाइनअप में खेलता था तो यार अगर तुम्हें इस वाले वीडियो के अंदर तो उसके प्ले अच्छे लगे तो यार उसके चैनल पर जाकर उसको सपोर्ट जरूर दिखाना में हो गया बहुत ही बढ़िया वो बहुत सी टीम मैच हारने के बाद एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है कि तेरी वजह से हम लोग जो है मैच को हारे हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि अगर तुम लोग मैच हार हो तो वहां पे कहीं ना कहीं गलती गलतियां पूरी टीम की होती है लेकिन यहाँ पे 90 परसेंट टीम ऐसी होती है जो गलतियों पे ध्यान नहीं देती है और ब्लेमिंग करने लगती है अपने ही टीमेट अब अगर तुम ब्लेम की जगह पे ये देखो कि किसने कहा गलतियां करी है और फिर सिंपली उसको फिक्स करो मतलब उसको ठीक करो उसके ऊपर वर्क करो इससे तुम हर मैच के अंदर इम्प्रूव करोगे अब यार तुम बार बार अपने ही टीमेट पर ब्लेम करोगे तो इससे होगा कुछ नहीं तुम्हारी टीम की पूरी सिनर्जी टूट जाएगी और अगर जब सिनर्जी टूट जाती है एक दूसरे के ऊपर बार बार ब्लेम करने से तो तुमको पता है भाई फेनाटी का क्या हाल हुआ था पबजी मोबाइल के अंदर तो अब से यार किसी पर भी ब्लेम मत करना यार उससे गलती हुई या इंसान से ही गलती होती है उसको बस उसको बोलो भाई तो इस गलती को सुधार दे अगली मैच के अंदर वो उससे भी बढ़िया खेलेगा और यार तुम दूसरों को बोलने से पहले खुद पर भी ध्यान दे दो क्योंकि जब तुम एक उंगली दूसरे की तरफ मारते हो तो तीन तुम्हारे ऊपर आती है तो पहले अपने मिस्टेक सुधारो देखो भाई तुम्हारे अंदर क्या कमी है फिर दूसरों को बोलना। बस अपने मिस्टेक को देखो और उसको फिक्स करो और आगे बढ़ो और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे डिपेंड है कहीं गलती की है तो उसको एकदम मतलब चिलो के बोलो कि भाई यहाँ पे गलती है अगली मैच में मत करना

जीत वो गेम खुद देख लेगी लेकिन यार तुम अपना तो पूरा एफर्ट डालो हार या जीत वो गेम के एंड की बात है लेकिन गेम के स्टार्टिंग और मिड में तुम हार मान लो तो हारी हुई मैचेस की बातों को सोचकर अपनी गेम की स्टार्टिंग खराब मत करो फोकस करो जो मैच चल रहा है उस पर अपना पूरा एफर्ट डालने का सबसे बड़ा फायदा ये है की अगर मान लो तुम उस गेम को हार भी जाते हो तो भी तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा अब हर टीम में कोई ना कोई बंदा होगा जो गेम के बीच में चिल्लाता रहता है अब बेसिकली इससे पूरी टीम डिस्टर्ब होती है और जो बंदा अच्छा खेल रहा होता है वो बेकार खेलने लग जाता है और जो बंदा नॉर्मली खेल रहा होता है वो प्रेशर में आके और बेकार खेलने लग जाता है अब चिल्ला तो वो कभी भी किसी पे भी गेम के मिड में ब्लेम मत करना क्योंकि उधर से वो गेम को ढंग से खेल ही नहीं पाएगा मैं तुम्हें बताता हूं अगर तुमको चिल्लाने का बहुत ज्यादा शौक है मतलब अगर तुम्हारे अंदर कोई टीम में ऐसा बंदा जिसको चिल्लाने का बहुत ज्यादा शौक है तो तुम सिंपली उसको बाजार में किसी भी आलू पिओले पे लगा दो और वहां पर बोलो तुझे जितना ज्यादा चिल्लाना है वहां पे चिल्ला लेकिन गेम में मत चिल्लाना अब अगर तुम ढंग से हर एक मैप के स्पॉन के बारे में समझ गए तो तुम गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अब एग्जांपल मैंने फायरिंग एज इतना खेल लिया है कि मुझे उसके सारे स्पॉन पता है और हो सकता है जिस मैप में तुम सबसे बढ़िया खेलते हो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हो वो इसलिए क्योंकि तुम उस मैप में बहुत ज्यादा खेल चुके हो तुम्हें उस मैप का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तुम्हें पता चल चुका है कि भाई बंदे किधर स्पॉन होते हैं अब अगर तुमने हर एक मैप का स्पॉन अच्छे से मास्टर कर लिया तो भाई तुम में और एक हैकर में कोई फर्क नहीं रहेगा

ये वाली टिप तुमको बहुत काम आएगी सबसे पहले तुमको उनके मैचेस की किसी और के सामने खेल लो, उसके बाद कैसे खेलते हैं और है। प्ले टाइप पता चल जाएगी वो लोग कैसा खेलते हैं अब मान लो एग्जाम्पल के लिए वो लोग कैसे खेलते हैं तो तुम्हारी पूरी टीम को बताना चाहिए कि ज्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है वो लोग भाई कह बैठे होंगे तुमको इजिली मार देंगे इसी तरह तुम अपने आने वाली मैचेस के के प्ले स्टाइल को देख सकते हो जान सकते हो उसका काउंटर बना सकते हो और फिर तुम लोग उनको इजिल हरा सकते हो मैं जब पहला खेला था तो हम लोग ये वाली सिर्फ उसी टाइम करते थे जिस टाइम सामने बहुत ही तगड़ी टीम हो या फिर यार जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लेकिन यार तुम ऐसा हर मैच के लिए कर सकते हो अगर तुम टूर्नामेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो तो और अगर तुमको इसका भी नेक्स्ट लेवल जाना तो भाई डिस्कॉट पर आ जाओ अपनी पूरी टीम को बुला लो वहां पे वॉइस चैट बैठ जाओ सारे के सारे अपने अपाउं के किसी भी मैच का लिंक दे दो फिर तुम सब साथ में उनको देखो वो कैसे खेलते हैं और फिर आराम से बैठ के उसके काउंटर बनाओ भाई दबे सुनने में ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा लेकिन यकीन मानो ये जादू की तरह काम करता है अब मानो या ना मानो कॉलोडो मोबाइल के अंदर स्नाइपर सबसे ज्यादा ओपी है अगर उसे चलाने वाला ओपी है जस्ट इमेजिन करो एक बंदा है जिसके हाथ में एक ऐसी गन है है जिससे वो क्लोज मिड लॉन्ग भाई सबको वन शॉट कर सकता है। अगर तुमको नहीं पता तो वर्ल्ड से पहले मोबाइल के अंदर रूल थे जिसमें हर टीम को सिर्फ एक ही स्नाइपर अलाउ होता था क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट का नफ हो चुकी है और वो क्लोज में भी हिट मार कर देती है और मिड में तो भाई वो चलती नहीं है और वहीं पर अगर स्नाइपर जो हर रेंज में मस्त चलती है लेकिन उसको मस्त चलाने के तुम्हारे पास एक अच्छा फुल टाइम स्नाइपर प्लेयर होना चाहिए अब अगर तुम्हारा स्नाइपर अच्छा नहीं है तो या तो उसको बोलो भाई तू बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर या तो उसको रिप्लेस कर दो क्योंकि एक अच्छा स्नाइपर टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो याद है तुम्हारी टीम में एक अच्छा स्नाइपर होना ही चाहिए अब बहुत बहुत होता है तुम अच्छे से तो खेल रहे ले हो तो लेकिन तुम्हारे से जो है किल्स नहीं निकल रहे होते अब ऐसा टाइम पे लोडआउट में जितनी भी गन्स पड़ी है सबको भाई यूज कर डालो अब मेरे साथ यार एक बार ऐसा ही हुआ था मैं बंदों को मार ही नहीं पा रहा था फिर दो तीन गन चेंज करने के बाद मुझे मिली एच और उसके बाद भाई मैंने एच से जितने गेम निकाले वो देख के भाई मुझे लग नहीं रहा था कि जो हिसाब से मेरी गेम की स्टार्टिंग हुई है एंड इस तरह अगर तुमसे अच्छा नहीं खेला जाए तो भाई हर एक गन को ट्राई कर लो अपने लोडआउट में जितनी भी तुमने गन्स है भाई सबको ट्राई कर लो खो एक गन तो तुमको मिल जाएगी भाई जिससे तुम अच्छा खेल लो और उसके बाद भाई जिस तुम्हारी गेम की स्टार्टिंग होगी एंड भाई पूरा अलग तरीके से होगा तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम प्रोफेशनल प्लेयर को देखते हो वो कैसा खेलते हैं वो किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो तुम बहुत कुछ सीखोगे तुम किसी भी कॉलोडिटी मोबाइल का टूर्नामेंट देखो और उससे सीखो तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मुझे इस बात पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि जब तुम देखोगे तो भाई तुम खुद ही समझ जाए तुम्हारी नॉलेज जो है कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है अब ये वाली लीजिए तुमको थोड़ी सी लूट टाइप लगेगी लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो टाइम पे प्रैक्टिस करने नहीं आता है टीम मीटिंग के टाइम पे वो नहीं आता है गेम को ज़्यादा सीरियसली नहीं दे रहा है अब देखो ऐसा अगर पूरी टीम करती है मतलब मान लो भाई पूरी टीम सिर्फ मजे के लिए खेलती है तो ठीक है बट तुम्हारी टीम में सारे टूर्नामेंट को लेकर सीरियस है और सिर्फ एक बंदा है जो ज़्यादा सीरियस नहीं है तो तुम उसको वॉन कर सकते हो और अगर वो वॉन करने के बाद भी पहले जैसा ही रहे तो सिंपली भाई तुम उसको रिमूव कर दो और एक अच्छा प्लेयर ढूंढो जो तुम लोगों की तरह ही गेम को लेकर सीरियस हो मान लो भाई जिस टाइम पे तुम्हारा टूर्नामेंट मैच है उसी टाइम पे तुम्हारा नेट इशू आ गया अब ऐसे टाइम पे बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं अब कभी कभी ये लॉबी ग्लिच होता है तो तुमको सिंपली रिवर्स कर देना उसे मतलब जिसके पास सबसे हाई का वाई लगा होता है अब जब वो बंदा होस करेगा, तो जितने भी बंदा करने बेस्ट में बेस्ट पिंग आएगा। बट के स्टार्टिंग के तीस सेकंड में ही कर सकते हो अब मान लो तुम्हारा नेट इशू गेम के बीच में आया अब यहां पे तुम रिहोर्स नहीं कर सकते हो अब मैं तुमको बोल सकता हूं एयरपिन मुंह पर डाल दो वगैरह वगैरह ये सब चीजें जो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बताया चेकआउट कर लेना हो सकता है

जब तुम्हारा पिंक खराब होता है तो भाई बेड बनने सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है टीम के लिए ये भाई तुम्हारी टीम और टीम सबको हेल्प करेगा क्योंकि एंड में नेट इशू का कोई इलाज नहीं है मिड गेम के अंदर मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन तुम इसे ट्राई कर सकते हो तुम अपने घर वालों के फोन का हॉटस्पॉट लेके खेल सकते हो अगर तुम्हारा नेट इशू आ रहा है तो भाई आज का वो वीडियो के लिए इतना ही था लेकिन इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आता है मतलब बहुत सारे बंदे है जो देखना चाहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो की ऑफकोर्स बहुत लोग नहीं चाहते बट बहुत लोग चाहते हैं तो अगर तुम में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं